तो आज का टॉपिक है रिलायंस जियो के एक्टिव यूजर बेस और उनके रेवेन्यू जनरेटिंग यूजर बेस पे से जो फर्क है, दोनों नंबर्स में जो फर्क है, इसको लेके आज का टॉपिक है। और इससे टेलीकॉम इंडस्ट्री का के बारे में हम लोग क्या समझ सकते हैं और आने वाले दिनों में क्या प्राइस बढ़ सकता है, इसका क्या इफेक्ट होगा शेयर मार्केट पे भी, एयरटेल एंड वोडाफोन पे भी इसका क्या इफेक्ट होगा, ये है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेवेन्यू जनरेटिंग यूजर वो होते हैं जो हर महीना रिचार्ज करते हैं और उससे कंपनी को पैसा मिलता है। एक्टिव यूजर्स वो होते हैं जो फोन को अपने प्राइमरी सिम कार्ड के स्लॉट में इस्तेमाल करते हैं, लाइक यूजिंग इट एज देयर प्राइमरी सिम फॉर कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो ये है रेवेन्यू जनरेटिंग और एक्टिव यूजर का फर्क। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जियो का जून के महीने में ट्राई, मतलब टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से जून के महीने में जियो का एक्टिव सब्सक्राइबर बेस था, एक्टिव सब्सक्राइबर बेस रेवेन्यू जनरेटिंग सब्सक्राइबर बेस से काफी कम है। मतलब पैसा खर्चा करने वाले जो उनके यूजर्स हैं, दैट इज 397 मिलियन, उसमें से 87 मिलियन इनएक्टिव हैं। तो ये जो डेटा निकाला है, ये निकाला है कोटक सिक्योरिटीज ने। कोटक सिक्योरिटीज खुद परेशान है, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये आखिर हुआ तो इसका मतलब क्या है। क्या 87 मिलियन लोग अपने प्राइमरी सिम के स्लॉट में जियो को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो वो रिचार्ज क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? और अगर वो रिचार्ज करते हैं तो क्या जियो का प्रॉफिट और ऊपर जाएगा? लेकिन जियो कॉन्स्टेंटली दूसरे महीने में, ये दूसरा महीना है जब जियो का यूजर ग्रोथ एयरटेल से कम हुआ है, तो मतलब जियो नुकसान हुआ है, सब्सक्राइबर्स जियो छोड़ के गए हैं और एयरटेल ने सब्सक्राइबर जोड़ने के मामले में फिर से टॉप पोजीशन लिया है। हम सीधा सीधा एक चीज बता सकते हैं, आप सबको पता होगा, वोडाफोन और एयरटेल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान अनाउंस किया था। हर महीना उनको एक्टिव अपने कनेक्शन को एक्टिव रखने के लिए आपको एयरटेल और वोडाफोन का महीने दर महीने रिचार्ज करना होता है, ये आपको पता है। मंथली जो एक्टिवेशन रिचार्ज है वो करना होता है। ये जो गेम प्ले खेला है, ये जो खेल है, ये जो वोडाफोन और एयरटेल ने किया है, इसके वजह से उनके नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स शायद उनके रेवेन्यू जनरेटिंग यूजर से हायर है, क्योंकि एक्टिव हमेशा और हर महीने उनको डेटा मिल रहा है, हर महीने उनको रिचार्ज करना पड़ रहा है। जैसे मैं भी एयरटेल को अपने प्राइमरी स्लॉट में इस्तेमाल नहीं करता, मैं प्राइमरी स्लॉट में जियो को इस्तेमाल करता हूं, लेकिन फिर भी महीने दर महीने मैं एयरटेल का नंबर को एक्टिवेटेड रखने के लिए, वहां से आउटगोइंग को एक्टिवेट रखने के लिए मुझे रिचार्ज करना पड़ता है। इसका ये मतलब है एयरटेल ने अपने बिजनेस मॉडल में एक ऐसी चीज डाल दी है जिसकी वजह से उनका नंबर जो है वो अच्छा दिख रहा है, और इससे उनको फायदा शेयर मार्केट में भी मिल रहा है और मिलेगा भी। तो क्या इससे हम ये समझ सकते हैं कि फिर जियो, हालांकि जियो ने नया पोस्टपेड प्लान का अनाउंसमेंट किया है और उस पर नेटफ्लिक्स के साथ अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन के साथ अलग अलग ऑफर्स दिए जा रहे हैं जो लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है, उसके साथ जियो फाइबर जो रोल आउट हुआ है, ये भी एक नया चीज है जो काफी सारे लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का मानना है कि जियो फाइबर एक्सपेंसिव है। जैसे मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जियो, मतलब 1500 रुपए का जो अनलिमिटेड वाला जो उनके पास है, दैट इज टू मच, दैट इज कॉस्टिंग टू मच। उनका बिजली का बिल 2000 रुपए आता है, तो 1500 रुपए बहुत बहुत ज्यादा है उनके लिए। वहीं पर ब्रॉडबैंड इस्तेमाल किया जाए तो फिर वो 500-600 रुपए पर महीने में हो रहा है। तो क्या जियो का बिजनेस मॉडल में कुछ चेंज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है कि जियो भी हर महीने दर महीने आपका फोन नंबर एक्टिव रखने के लिए रिचार्ज का एक रिचार्ज अमाउंट फिक्स करने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो क्या जियो के जो सब्सक्राइबर्स हैं, क्या वो जियो छोड़ के जाएंगे? अभी ऑलरेडी जियो छोड़ के जाने वालों का नंबर थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो क्या ऐसा होने वाला है आने वाले दिनों में कि जियो भी प्रीपेड कस्टमर्स के लिए जियो भी एक चार्ज अप्लाई करेगी हर महीना अपने नंबर को एक्टिव रखने के लिए, कि आपको 30 रुपए 40 रुपए ऐसा कुछ रिचार्ज करना पड़ेगा, एक मिनिमम रिचार्ज अमाउंट क्या होगा? अगर ये हुआ तो क्या वो एक्चुअली खर्चा बढ़ाएगा आपका? क्या ये आपके काम आएगा? तो ये सारे जो सवाल हैं, ये सारे सवाल का जवाब हमें अगले 10-20 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों जान लीजिए, ये गर्म खबर इसलिए है क्योंकि कोटक सिक्योरिटी जिसने इसका ये एनालिसिस किया है, उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने खुद बोला है कि वी आर स्टिल आउट ऑफ क्लू कि ये ऐसा क्यों है कि करीब करीब 400 मिलियन रेवेन्यू जनरेटिंग यूजर्स है और उसमें से 87 मिलियन यूजर्स इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव मतलब वो रिचार्ज तो उन्होंने कर लिया, पैसा तो दे दिया उन्होंने, लेकिन वो जियो को अपने प्राइमरी स्लॉट में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसका यही मतलब हो सकता है कि क्योंकि उनको 3 महीने का रिचार्ज मिल रहा है, 3 महीने का अनलिमिटेड मिल रहा है, तो 3 महीने का अनलिमिटेड मिलने के बाद जब जब उनको किसी और सिम कार्ड की जरूरत पड़ती है तो वो शायद जियो को इनएक्टिव करके एयरटेल को इस्तेमाल करते हैं या वोडाफोन को प्राइमरी स्लॉट में इस्तेमाल करते हैं, यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। या तो एयरटेल एंड वोडाफोन वालों ने जो उनका महीने का रिचार्ज का प्लान चालू किया है, उसकी वजह से उनको डेटा बस मिल रहा है कि चलो ये हर महीने
महीने दर महीने रिचार्ज कर रहा है। तो दोनों तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या जियो अपने प्रीपेड कस्टमर्स के लिए एक मंथली रिचार्ज प्लान का इंट्रोडक्शन करेगी। अगर ये होता है तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। आप सबको पता है जियो का आईपीओ के बारे में भी रूमर्स चल रहा है, क्या जियो का आईपीओ आएगा, क्या जियो का पोस्टपेड प्लान इस ये जो टेलीकॉम सेक्टर हम कुछ दिनों पहले बात कर रहे थे कि एक एक एक, एक, एक ट्राई फेस्ड कंपटीशन है, या क्या ये डुओपॉली बनने जा रहा था, अभी नहीं बन रहा है क्योंकि वोडाफोन को एजिया केस में राहत मिल गया है, तो वोडाफोन भी अभी लड़ाई में वापस आ गया है। सब तरीके से इंडिकेशन लेकिन एक ही है कि कॉस्ट बढ़ने वाला है, आपके मोबाइल का बिल बढ़ने वाला है, चाहे वो वोडाफोन हो एयरटेल हो। धीरे 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 रेवेन्यू पर यूजर जो है उसको बढ़ाने की कोशिश में एयरटेल और वोडाफोन भी धीरे धीरे अपने चार्जेस बढ़ाने वाली है। और जियो अगर इसी तरीके से सब्सक्राइबर लूज करती गई और मार्केट के डेटा में जियो को सपोर्ट नहीं मिला, तो जियो भी प्राइसेस बढ़ाने के लिए फोर्स्ड हो जाएगी, और तब शायद हम सबका मोबाइल बिल भी बढ़ेगा, और तब कैसे ये टेलीकॉम सेक्टर में ये तीन लोगों का जो तीन ऐसे पैन आउट होता है, देखने वाली बात होगी, बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।